फिर से स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के ऑफिशियली चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। आप वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए और देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से यानी अनुभव हो जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में 100% यानी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो को आप पूरी तरह से इन तक वॉच कीजिए। गाइज, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप वीडियो को ज्यादा से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। चलिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी आदिकाल की, आधुनिक काल के। कौन से काल के? तो आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते देखते हैं, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1915। आगे क्वेश्चन कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है देख पा रहे होंगे कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, देख पा रहे होंगे ऑप्शन आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? दिनकर की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे कि रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज जो कहानी की नायिका है वो कौन है इनमें से, चार ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मालती। कौन है? तो मालती, ऑप्शन नंबर ए। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी अग्रदास। कौन थे? तो स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 15 कहता है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि राजकुमार कौन सा समास है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ चार में से कौन समास होगा राजकुमार, तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी जो है कौन से समास के अंतर्गत आता है, तो देख पा रहे होंगे आप लोग ऑप्शन 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी द्वंद समास है। कौन सा है? द्वंद समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कि घनश्याम कौन सा समास है, जो ऑप्शन दे पा रहे हैं आप लोग कौन सा समास है घनश्याम, तो राइट ऑप्शन किसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्मधारी समास है। कौन समास है? तो कर्मधारी है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि चौराहा कौन सा समास है। चौराहा जो है वो कौन सा समास है, ऑप्शन सामने चार दिया हुआ है। तो 31 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डुंगू समास है। डुंगू समास कौन सा है, समास है तो डुंगू। आगे बढ़ते हैं, सॉरी 31 में 32 में कह रहा है कि पीताम्बर कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने चार दिया हुआ है, पीताम्बर कौन सा समास है। तो 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह। आगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है देख पा रहे आप लोग कि अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम क्या होता है, देख पा रहे आप लोग, चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विराग। अनुराग का क्या होता है विलोम, तो विराग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अथ का विपरीत शब्द क्या है। अथ जो है इसका विपरीत उल्टा शब्द क्या होगा। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इथि। अथ क्या है? इथि। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कृष्ण का विलोम होगा, यानी कृष्ण का विलोम क्या है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सफेद। कृष्ण क्या है? सफेद। आगे क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है देख पा रहा हूँ आप लोग कि अस्थावर का विलोम है। अस्थावर जो है इसका विलोम क्या होगा, ऑप्शन देख पा रहे आप लोग। तो यहाँ पे चार में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी स्थिर। अस्थावर का विलोम क्या होता है? स्थिर। आगे हम दिया हुआ है, तो राइट आंसर की बात करें राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जागती। क्वेश्चन 48 में कह रहा है कि दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण क्या है, ऑप्शन देख पा रहे आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, दैनिक। क्या है? दैनिक। आगे क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि अरण्य का समानार्थी यानी पर्यायवाची है कौन सी। यहाँ पे अरण्य जो है उसका पर्यायवाची है, देख पा रहे ऑप्शन आप लोग। 49 का राइट ऑप्शन रहेगा विपरीत। क्या रहेगा? विपरीत है अरण्य का समानार्थी यानी समान अर्थ वाला। इसके क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहे हैं देख पा रहे होंगे कि तलवार शब्द का विलोम है। तलवार जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग।
50 का रैंसम की बात करें रैंसम का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सहायक कारोबार का जो विकल्प चाहता है वो सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका रैंसम। यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन को कम्प्लीटली कवर कर चुका हूँ, जो भी देखिए ऑप्शन आएगा जो लाइक कर दीजिएगा उसमें फायदा हो जाएगा। और मैं बता दूँ आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो आ रहा है तो ये वीडियो देखिए काफ़ी आपको हेल्प होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिस बेल ऑन करें ताकि हर एक वीडियो आपको पहले मिल जाएगी। आप मिलते के लिए नए होने जाते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।